Good morning, students. Today we are going to start discussion about development structure of Anthidium. इससे पहले भी हमने डिक्सिया के अंदर पाए जाने वाले जनन के बारे में चर्चा की है. उसके अंदर लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हमने चर्चा की. लैंगिक जनन की जो क्रिया है उसके अंदर पाए जाने वाले फीमेल और फीमेल गैमिट और मेल गैमिट के बारे में चर्चा की. मेल गैमिट ट्रिक्सिया के अंदर क्या होता है? एंथ्रीडियम. और फीमेल गैमिट क्या होता है? आर्किगोनियम. तो एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने उसमें बताया था और उसके डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने बताया. लेकिन आप इस थोड़ा सा इस डायग्राम के द्वारा और इस वीडियो में और भी अच्छा एक्सप्लेन करने की मैं ट्राई कर रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड. देखिए, आप इस डायग्राम में एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिका आपको दिखाई दे रही है. सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल आपको दिखाई दे रही है. एंथ्रीडियल इनिशियल कहाँ से बनती है? ये जब रिक्सिया का थैलस जो होता है, रिक्सिया का थैलस के सरफेस पर कोई भी कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है. आकार में वृद्धि करने के पश्चात वहाँ से वो उभर जाती है. उभरने के पश्चात वो पुधानी आरंभिका एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है. ये सतह या पृष्ठीय परिवर्धन कहलाता है. सुपरफिशियल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है. इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप, अब आप देखिए ट्रांसफर डिवीजन इसमें दिख रहा है. ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप इसमें दो कोशिकाएँ बनती है. आप देखिए आगे वाले डायग्राम में आधारी कोशिका और बाहरी कोशिका, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टार्क सेल दो बन रखी है. अब आप देखिए आधारी कोशिका और बाहरी कोशिका की बात करें, जब नीचे की ओर बनने वाली कोशिका होती है वो आगे विभाजित नहीं होती. बाहरी कोशिका जिसको आउटर सेल कहते हैं वो पुधानी का परिवर्धन इसी के द्वारा होता है. इसी कोशिका के द्वारा फिर बाह्य कोशिका सतह से ऊपर की ओर होती है. इसमें ट्रांसफर डिवीजन से चार कोशिकाएं बनती हैं. प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टार्क सेल इसमें आपको दिखाई दे रही है. आप इसको इस डायग्राम्स से भी देख सकते हो. जैसे देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, ये एंथ्रीडियल सेल थी, एंथ्रीडियल इनिशियल, और ये है बेसल सेल. एंथ्रीडियल सेल में दो ट्रांसफर डिवीजन हुए जिसमें बेसल सेल और आउटर सेल दो कोशिकाएं बनी हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो आउटर सेल है उसी में ही डिवीजन होता है. आउटर सेल में ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ पे देखिए दो तरह की कोशिकाएं, पहले दो कोशिकाएं, इसमें दो सेल्स में डिवीजन हुआ है. ये दो कोशिकाएं बनी है, फिर इन दो कोशिकाओं में और ट्रांसफर डिवीजन हुआ है जिसके फलस्वरूप यहाँ देखिए यहाँ पे चार कोशिकाएं बन गई है. ऊपरी दोनों ये कोशिकाएं क्या है? ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स हैं और नीचे वाली ये दोनों कोशिकाएं प्राइमरी स्टार्क सेल हैं. तो प्राइमरी जो उपरंत कोशिकाएं हैं जिनको स्टार्क सेल कहा जाता है, ये प्राथमिक व्रंतु व्रंत कहलाती है, जो छोटी छोटी व संकरी होती है और पुधानी के मुख्य काय को धारण करती है. प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है वो ऊपर वाली दो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है तथा इनमें दो वर्टिकल विभाजन होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होकर चार कोशिकाओं युक्त दो टायर्स बनाते हैं. ये देखिए, ये वाले डायग्राम देखिए, इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन हो रखा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कोशिकाएं वर्टिकल डिवीजन के द्वारा बनती हैं. इन आठ कोशिकाओं में फिर वापस पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसको बोलते हैं परिणित विभाजन करके, ये निम्न सतह बना लेती है जिसमें दो सतह बनती है. जो प्राइमरी एंड
बाहरी सतह और भीतरी सतह। बाहरी सतह जिसके अंदर सभी 8 कोशिकाएं स्टाइल होती, बंद होती है, वह प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं कहलाती है। इनमें कई बार अपनतिक विभाजन होता है जिससे एक कोशिका के मोटा पूधानी का जैकेट निर्मित हो जाता है। ये जो डायग्राम है, इसके बाद में ये डायग्राम, इसके बाद वाला ये डायग्राम देखिए। इसमें देखिए ये जो जैकेट सेल्स बन रही है, ये सभी, ये जैकेट सेल कौन बना रहा है? भारी भारी कौन सी सेल? भारी सतह, जो कि प्राथमिक पुधानी कोशिकाएं, प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल, ठीक है, प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल से बनने वाली भारी 8 कोशिकाएं, भारी 8 कोशिकाएं जैकेट सेल्स बनाती है। उसके बाद में हम बात करें भीतरी सतह, भीतरी सतह वाली 8 कोशिकाएं जो फर्टाइल है, इसके अंदर फर्टाइल होती है और इनमें उत्तरोत्तर यानी आगे से आगे इनमें अनेक विभाजन होते हैं, अनेक विभाजन करके अनेक बहुत सारी एंड्रोगोनल सेल्स बना लेती है। ये देखिए आप डायग्राम में, ये कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? घनाकार, क्यूबिकल होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो अंतिम पीढ़ी बनती है वह पुमाणु कोशिकाएं कहलाती है, एंड्रोसाइट सेल्स कहलाती है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाती है। ये तो जैकेट बन गई, बाहर वाली 8 कोशिकाएं और अंदर वाली 8 कोशिकाएं एंड्रोगोनियल सेल्स होती है ये सभी। और ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो है एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनाती है, और इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स में कई सारे विभाजन होते हैं। इनमें तिरछा विभाजन होता है जिससे दो तिकोनी पुंग कोशिकाएं, देखिए आप इन डायग्राम में, जिसमें आप एंड्रोसाइट मदर सेल बन रही है, इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स में देखिए एक तिरछा विभाजन हो रखा है। तिरछा विभाजन होने से दो तिकोनी कोशिकाएं बन जाती है, प्रत्येक मात्र कोशिका एक नर युग्मक या पुमणु, मेल गैमिट या फिर एंथ्रोजोइट्स में रूपांतरित हो जाता है, जिस मेटाफोर्मेसिस क्रिया होती है। इस मेटाफोर्मेसिस के फलस्वरूप ये आप लास्ट में देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एंथ्रोजोइट्स का निर्माण हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम, एंथ्रिडियल इनिशियल बन गई, कहाँ बना है? थेलस के सरफेस पर बना, और फिर इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुए जिसके फलस्वरूप हमें दो कोशिकाएं, आधारी कोशिका और बाहरी कोशिका। आधारी कोशिका नीचे की ओर होती है और ये विभाजित नहीं होती, और जो बाहरी कोशिका है उसके अंदर विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ डिवीजन होने से इसमें 4 सेल्स बनती है। ये 4 सेल्स जो है, उन 4 सेल्स में 2 कोशिकाएं होती है, वो इस डायग्राम में 4 सेल्स नहीं बना रखी, इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही बना रखी है। इनमें और डिवीजन होने से 2 कोशिकाएं होती है, वो क्या बनती है? प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल, और 2 कोशिकाएं प्राइमरी स्टार्क सेल का निर्माण करती है। फिर जो आप देख रहे हो प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल, प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल के अंदर और भी ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। फिर उसके फलस्वरूप इनमें 8 कोशिकाएं तो बाहर की ओर होती है, जो कि क्या बनाती है? ये स्टाइल होती है, बंद होती है, 8 कोशिकाएं तो प्राथमिक जैकेट सेल बनाती है। इसमें कई अपनतिक विभाजन होते रहते हैं जिससे मोटा पूधानी का जैकेट बन जाता है, और भीतरी 8 कोशिकाएं इसके अंदर जो होती है वो फर्टाइल होती है, जिनमें उत्तरोत्तर क्रम में अनेक विभाजन होते हैं जिससे अनेक जो सेल्स होती है एंड्रोगोनियल सेल्स बनती है। और ये एंड्रोगोनियल सेल्स का शेप कैसा होता है? क्यूबियल होता है, घनाकार होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो अंतिम पीढ़ी बनती है वो क्या कहलाती है? एंड्रोसाइट्स मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनती है, जो दिख रहा है आपको। एंड्रोसाइट मदर सेल्स के अंदर तिरछा विभाजन होता है, इस तिरछा विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? मेटाफॉर्मेसिस की क्रिया होती है, मेटाफॉर्मेसिस की क्रिया के फलस्वरूप फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स या एंथेरोजोइट्स का निर्माण होता है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसके एंथ्रिडियम का विकास कैसे होता है और एंथ्रिडिया कैसे बनता है। एंड्रोसाइट में एक बड़ा केंद्रक दिख रहा है आपको, और इसके अंदर जीवद्रव्य सघन होता है, केंद्रक के बाहरी क्षेत्र में एक ब्लीफेरोप्लास्ट
निर्मित हो जाता है, जो फ्लेजिला जिसको ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। पुंग कोशिका गोल आकार ग्रहण कर लेती है, जिससे ब्लीफेरोप्लास्ट कोशिका की परिधि से थोड़ा सरक कर तंतु की जैसी लंबाई में वृद्धि कर लेता है। तो इस तरह से ये पुमाणु की स्ट्रक्चर है। कुंडलित पुमाणु के पश्च भाग पर कोशिका द्रव्य एक पुटिका के रूप में स्थित रहता है। और ये परिपक्व पुमाणु है वो द्विकसाविक होता है, कुंडलित होता है, समांगी संरचना होती है, जिसका अधिकतर हिस्सा समांगी केंद्रक व ब्लीफेरोप्लास्ट के संयोजित होने से बनता है। दोनों कसाविकाएं समान होते हुए भी दो प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे एक कसाविका तो पुमाणु को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है, जबकि दूसरी कसाविका पुमाणु को गति परिवर्तन व चक्रिक गति देने में सक्षम होती है। जैसे जैसे पुधानी का परिवर्तन होता है, उसी समय पुधानी आरंभिका को घेरने वाली थेलस की कोशिकाएं भी बार बार विभाजित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप परिपक्व पुधानी के चारों ओर एक आवरण निर्मित हो जाता है। यह आवरण तीव्र वृद्धि करके पुधानी के चारों ओर एक प्रकोष्ठ निर्मित कर लेता है, जिसे एंथ्रीडियल चेम्बर कहा जाता है। रिक्सिया की परिपक्व पुधानी एक संवृत संरचना होती है। वृंत की सहायता से पुधानीय चेम्बर के तल पर स्थित रहती है। वृंत का अग्र सिरा अंडाकार या आधारी भाग चौड़ा व ऊपरी भाग शंक्वाकार होता है। वह पुमाणु उत्पन्न करने वाले पुधानी का मुख्य भाग बनाता है। पुधानी का यह भाग एक कोशिका के सतह से परिबद्ध होता है, जिसमें अनेक पुमाणु उपस्थित रहते हैं। फिर इसका जो स्पुटन है वो पुधानी की भित्ति है वो फट जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे श्लेष्मीय द्रव्य निर्मित होता है। जल के उपलब्ध होने पर पुधानी सूक्ष्म रंध्र द्वारा जल अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य में बचा हुआ श्लेष्म भी जल अवशोषित करके फूल जाता है और जैकेट कोशिकाएं नरम होकर विघटित हो जाती है। पुधानी के प्रकोष्ठ में श्लेष्मीय आवरण में घिरे हुए पुमाणु कुछ समय तक वहीं रहते हैं और थेलस की सतह पर बाहर आकर फ्लेजिला द्वारा उपलब्ध जल में तैरते हुए रहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।